दीक्षा आरंभ यूजीसी का एक प्रोग्राम है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो असिस्ट करता है जब उनका ट्रांजिशन पीरियड होता है। इस वीडियो में समझेंगे उसके थोड़े से पॉइंट और एमसी के जरिए के कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पहले समझ ले कि एजुकेशन को तीन भागों में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर तीन भाग ही स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। ये जानते हैं कि स्कूल का एनवायरनमेंट कॉलेज के एनवायरनमेंट से डिफरेंट होता है, कॉलेज का यूनिवर्सिटी से डिफरेंट होता है। जब बच्चा स्कूल की लाइफ को खत्म करता है और कॉलेज की लाइफ में एंटर करता है यहाँ पर, तो उसे टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है, अनकंफर्टेबल फील करता है, पता नहीं वो एडजस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर एडजस्ट नहीं कर पाता तो ड्रॉप आउट हो जाता है, कॉलेज छोड़ जाता है। तो यूजीसी ने 2019 में एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम दीक्षा आरंभ था। उसका मेन पर्पज यही था कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, शिफ्ट पीरियड है, स्कूल से कॉलेज लाइफ में है, है ना, स्कूल क्लास से कॉलेज क्लास में बच्चे ने एडमिशन लेनी है, एंटर होना है, तब बच्चे को की एडजस्टमेंट को बनाना है, कंफर्टेबल लेवल को बढ़ाना है, उसे फैसिलिटेट करना है, उसे नई कॉलेज की इंफॉर्मेशन देनी है, उसे कॉलेज के कल्चर के बारे में बताना है, एथॉस के बारे में बताना है कि वो वहाँ कंफर्टेबल एडजस्ट फील करके अपनी हायर एजुकेशन की जर्नी को बहुत स्मूथली पूरा कर सके। तो ये प्रोग्राम के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या पॉइंट्स हैं, फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हिंदी में इधर है, टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर न्यू स्टूडेंट्स एंटरिंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू गेट क्लाइमेट एंड ट्रांजिशन स्मूथली, जो अभी बात करके आया हूं वो इसका सेंट्रल मेन पॉइंट है, इनटू कॉलेज, पहले कॉलेज होगा फिर यूनिवर्सिटी में होगा एनवायरनमेंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। इस दीक्षा प्रोग्राम को इवन सिप के नाम से भी जाना जाता है कि स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज दीक्षा, अगर ऑप्शन में स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है तो वो राइट आंसर होगा। यहां पर है वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ दीक्षा इज स्टूडेंट, दिस प्रोग्राम इट इज डिजाइन टू असिस्ट द स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग एकेडमिक, ये प्रोग्राम हेल्प करता है बच्चों के एकेडमिक, सोशल, कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ कॉलेज लाइफ, जो पीछे बात करके आया हूँ कि उस लाइफ को बच्चा अच्छे से समझ पाए, उसके लिए वो उनके सीनियर की हेल्प लेंगे या टीचर की हेल्प लेंगे जो आगे मेंटर के रूप में काम। तो एसेंशियल स्किल्स डेवलप की जाएगी, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाएगा जो न्यू स्टूडेंट है, फैसिलिटेटिंग ओवरऑल एडजस्टमेंट प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट, ये वेरी सेंट्रल पॉइंट है ये हिंदी में साथ साथ में यहाँ पर। और नेक्स्ट पॉइंट है मेंटरिंग। मेंटरिंग में क्या है कि मेंटरिंग कोई भी कर सकता है, उसके सीनियर स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, है ना, जब वो एंटर हुए हैं तो उनको गाइड करना है, उनकी सुपरविजन करनी है, उनको फीडबैक देनी है, उनको हौसला देना है, उनको नई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो सीनियर स्टूडेंट भी दे सकते हैं, फैकल्टी मेंबर टीचर भी दे सकते हैं, गाइड भी दे सकते हैं। सो इनिशियल पीरियड जो है उसमें कैंपस में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बाद में, तो वहाँ पर उसको पूरी तरह हेल्प करनी है। सो ऐसे एकेडमिक, पर्सनल एंड इमोशनल हेल्प उसकी उसको। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फॉर्मेशन एंड काउंसलिंग, सूचना एंड परामर्श। तो राइट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है तो बच्चा ड्रॉप आउट नहीं करेगा, कॉलेज लाइफ में स्मूथली चलेगा। तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड की जा रही है, टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन कैसे होनी, कब होनी, क्या फॉर्मेलिटीज़ है, उसके बाद क्या होगा, कोर्सेज क्या हैं, है ना, पेपर क्या है, करिकुलम क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटी इस प्रोग्राम के बाद है, तो एक तरह की ये कैरियर काउंसलिंग है एडमिशन के दौरान। नेक्स्ट है स्टूडेंट सपोर्ट, छात्रों की सहायता। मेन इसमें फोकस क्या है, जो लर्निंग डिसएबिलिटीज़ हैं, ऐसे बच्चों को जिनके डिफरेंट चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए सपोर्ट दी जाती है। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन एक कॉलेज या एक इंस्टीट्यूट और दूसरी इंस्टीट्यूट और तीसरी इंस्टीट्यूट, वो आपस में
शेयर करते हैं कुछ, क्या करेंगे शेयर कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। जब एडमिशन होती है हम गाइडेंस देते हैं, हम इस प्रोसेस से देते हैं तो इसके रिजल्ट बेटर होते हैं। तो जब ये इंस्टीट्यूट इससे शेयर करेंगे तो ये बेस्ट प्रैक्टिस को ये भी अडॉप्ट करेंगे, ये भी अडॉप्ट करेंगे। अगर इनकी कोई बेस्ट प्रैक्टिस है तो ये अडॉप्ट करेंगे, ये अडॉप्ट करेंगे। इसके जरिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो एनकरेज हो, दीक्षा का पर्पस है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, अनुकूल वातावरण बच्चे को दिया जा सके कि वो अपनी जर्नी सही से पूरी कर सके। अब कुछ क्वेश्चन है, दीक्षा आरंभ इनिशिएटिव प्राइमरी टारगेट टुवर्ड्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर, वर्किंग प्रोफेशनल। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, स्नातक स्कूल, क्योंकि कॉलेज लाइफ में अभी एंटर हो रहे हो ना। दीक्षा आरंभ प्रो हेल्प स्टूडेंट सिलेक्टिंग अप्रोच स्कूल्स फॉर हायर एजुकेशन कोर्सेज एंड कॉलेज कैरियर पाथ स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स। बेस्ट आंसर इसमें है कोर्सेज एंड कॉलेजेस को सिलेक्ट करने में हेल्प करता। नेक्स्ट है, दीक्षा आरंभ इज एन इनिशिएटिव बाय यूजीसी एम्ड एट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग स्टूडेंट्स, प्रोवाइडिंग कैरियर काउंसलिंग टू कॉलेज स्टूडेंट, एनहांसिंग अप्लायबिलिटी स्किल इन ऑफ ग्रेजुएट, फैसिलिटेटिंग ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज। अब देखिए ये भी अच्छा है, कैरियर काउंसलिंग है ना, लेकिन इस ट्रांजिशन पीरियड में हेल्प करनी, ये मेन फोकस है। यहाँ 3 टिक लगा रहा हूँ, इतना सही। स्कूल से कॉलेज में संक्रमण में सुगम बनाना है उसको। दीक्षा आरंभ एम टू एड्रेस चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टूडेंट ड्यूरिंग दियर स्कूल एग्जाम, कॉलेज एडमिशन, इंटर्नशिप, एम्प्लॉयबिलिटी। वेरी इजी, कॉलेज एडमिशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीक्षा आरंभ इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक काउंसलिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्किल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ अबव। ये 3 पॉइंट इसलिए क्वेश्चन बनाया है कि 3 पॉइंट आपको समझ आए कि तीनों ये प्रोवाइड किए जाते हैं। दीक्षा आरंभ प्रोग्राम बाई यूजीसी एम टू फैसिलिटीज ट्रांजिशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, हाई स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज टू यूनिवर्सिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयबिलिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट टू रिसर्च। द बेस्ट आंसर इज हाई स्कूल टू कॉलेज। दीक्षा आरंभ फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ देयर एकेडमिक जर्नी, प्री एग्जामिनेशन, एडमिशन, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट। इसमें एडमिशन इज राइट आंसर, प्रवेश के दौरान है। सेकेंड है, दीक्षा आरंभ हेल्प द स्टूडेंट इन सेलेक्टिंग द राइट स्कूल फॉर हायर एजुकेशन कोर्स एंड कॉलेज, रिसर्च प्रोजेक्ट, जॉब अपॉर्चुनिटी, कोर्स एंड कॉलेज। दीक्षा आरंभ इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय यूजीसी इन द ईयर ऑफ 2019 में। इधर भी हिंदी में भी साथ साथ देख लें। 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, दीक्षा आरंभ प्रोवाइड्स गाइडेंस टू स्टूडेंट ऑन वेरियस एस्पेक्ट इंक्लूडिंग कोर्स करिकुलम, स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल, जॉब अपॉर्चुनिटी, ऑल ऑफ अबव। तीनों ही उसके है, ये समझने के लिए है बनाया। दीक्षा आरंभ प्रोग्राम एम्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ, 12वां क्वेश्चन है, ड्रॉप आउट अमंग स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग ग्रेजुएट टीचर्स, शॉर्टेज इन स्कूल्स, जेंडर इनइक्वालिटीज। तो ड्रॉप आउट को कम करने के लिए है यहाँ पर। दीक्षा आरंभ ऑफर काउंसलिंग सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑन कैंपस सेंटर्स, मोबाइल एप्लीकेशन। ये तीनों हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उनको गाइडेंस दी जाती है, ऑन कैंपस सेंटर्स में भी, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी, ऑल ऑफ अबव यहाँ पर आएगा। ये रहा हिंदी में। और ये 14वां और लास्ट क्वेश्चन, दीक्षा आरंभ एम्स टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट कैरियर ऑप्शन, कॉलेज एंड एडमिशन प्रोसेसेस, स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स, ऑल ऑफ अबव। ये तीनों हैं, ये कंसिडर कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था हेल्प करने के लिए, कोई नया कंसेप्ट किसी बॉडी या किसी और थ्योरी के साथ रिलेटेड है तो आप कोई सजेस्ट करना चाहो, कोई कंसेप्ट लर्न करना चाहते हो तो ऐसे एक स्ट्रेटजी है, आप सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू, डॉक्टर तीरथ सिंह लर्न।